लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्ला संगठन ने इसराइल पर 320 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। हिजबुल्ला ने रविवार को इसराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्ला ने यह हमला अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए किया है। दरअसल इसराइल ने 30 जुलाई को बेरूत में एक एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला के टॉप कमांडर को मार गिराया था। हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 48 घंटों के लिए इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी। राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करते हुए आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 90 मिनट के लिए रोक दिया गया। हालांकि बाद में सेवाएं वापस शुरू कर दी गई। हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल ने लेबनान में उसके ठिकाने पर जवाबी कार्रवाई भी की है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने 100 फाइटर जेट्स के हिजबुल्ला की रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर भी अटैक किया है।